हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कीवी किचन किंग। आज हम पोहे की कचौड़ियाँ बनाएंगे। एकदम सिंपल है, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कचौड़ियाँ बनाना। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक कटोरी पोहा, दो बॉयल आलू को हमने ग्रेट कर लिया है, एक कटोरी ब्रेड क्रम्ब, हाफ लेमन का रस, हरी धनिया पत्ती, दो हरी मिर्च को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब हम एक बाउल में छन्नी लगा लेंगे और इसमें पोहा डालेंगे और इसमें वाटर डाल के इसे धो लेंगे। ये हमने पोहे को वॉश कर लिया है, वाटर को अलग कर देंगे और पोहे को 10 मिनट इसी तरह फूलने रख देंगे। अब हम कचौड़ी की स्टफिंग बनाएंगे। तो एक बाउल में आलू डाल लेंगे, इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब डाल लेंगे, हरी मिर्च, लेमन का रस, हरी धनिया पत्ती, और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा, लाल मिर्च हाफ टी स्पून, थोड़ी कम हमने हरी मिर्च ऐड कर ली है, टेस्ट के हिसाब से आप लाल मिर्च डाल सकते हैं, हाफ टी स्पून नमक। अगर आपके पास लेमन ना हो तो आप अमचूर डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग रेडी हो गई है। अब इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। इस तरह सभी बनाकर रेडी कर लेंगे। पोहा फूल गया है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने स्टफिंग में नमक ऐड कर लिया है, लेकिन टेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और 1 टीस्पून ऑयल, और अब इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और डो बना लेंगे। ये डो हमारा रेडी हो गया है। अब इसकी लोइयां बनाएंगे। स्टफिंग हमारी 5 है, तो इसकी भी लोइयां हम 5 बना लेंगे। इसी तरह सर्कल में करेंगे, इस तरह, और इसे फ्लैट करेंगे। अब हम सेंटर में स्टफिंग रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। अच्छे से क्लोज करके फिर से सर्कल ले देंगे। ये देखिए रेडी हो गई है। बाकी सारे भी इस तरह बना लेंगे। इसी तरह हम फ्लैट कर लेंगे। और सेंटर में स्टफिंग रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। और फिर से इसे सर्कल कर देंगे। ये देखिए रेडी हो गई। बाकी सारी इस तरह बना लेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पर पैन में ऑयल डालकर हीट होने रख देंगे। ये हमने कचौड़ियाँ बना के रेडी कर ली हैं, अब इसे हम फ्राई करेंगे। ऑयल हीट हो गया है, अब हम इसमें कचौड़ियाँ डाल लेंगे। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, अब इसे टर्न करेंगे। ये देखिए हल्की हल्की कुक हो गई हैं। इसी तरह दूसरे साइड से भी कुक होने देंगे। कचौड़ियाँ हमने दोनों साइड से टर्न करके कुक कर ली हैं, हो गई हैं, अब इसे निकाल लेंगे।
बाकी सारी भी इसी तरह कुक कर लेंगे। हमारी पोहे की कचौड़ियाँ रेडी हो गई हैं। इतना ध्यान रखेंगे कि पोहा अच्छे से मैश हो जाए, अगर ये मैश नहीं होगा तो कचौड़ियाँ हमारी फूट सकती हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।